वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th, सब ठीक है ना बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. एक्चुअली योर लेसन इज गोइंग ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म एंड देयर आर सम अकाउंटिंग टर्मोलॉजी यू ऑलरेडी स्टडीड. देयर मे बी यू आर एबल टू डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटी. देयर कैन बी सम असेट्स कैन बी पॉसिबल, देयर कैन बी लाइबिलिटी पॉसिबल. एंड इन द लाइबिलिटीज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट्स, करंट असेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड यू नो द वेरियस टर्मोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. नाउ यू कैन सी देयर आर सम आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड असेट्स आर गिवेन. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज लाइबिलिटी एंड वॉट इज असेट्स. लाइबिलिटीज से समथिंग अबाउट दैट यू हैव टू पे, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म. क्रेडिटर रखा हूँ मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रखा है. पिछली वीडियोज देखा होगा तो चीज़ें दिमाग में जा रही होंगी. क्रेडिटर रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रखे हैं, बिल्स पेबल हमने रखा है, शॉर्ट टर्म लोन रखा है. शॉर्ट टर्म लोन का मतलब द लोन विच आर टेकन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड दैट यू हैव टू रिटर्न इन अ वन ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर. यू कैन कंसिडर द 1 अप्रैल टू 31 मार्च. एंड बैंक लोन यू कैन से कि बैंक लोन जो है फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए होता है. व्हेन यू हैव अ नीड ऑफ मनी, व्हेन यू हैव अ नीड ऑफ डूइंग योर बिजनेस, तो कुछ भी करने के लिए व्हेन यू हैव नीड ऑफ मनी देन यू आर टेकन लोन फ्रॉम द बैंक. एंड दैट लोन आर टेकन फॉर द मोर देन वन ईयर. मे बी जनरली जो है मोर देन वन ईयर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आप बिजनेस को लेंगे लोन को लेंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा ना उसको जो रिटर्न करने में. एंड कैपिटल यू नो कि कैपिटल जो होता है दैट इज योर इंटरनल लाइबिलिटी आफ्टर पेइंग ऑल द लाइबिलिटी द फर्म और बिजनेस आर डिसाइडेड टू पे द कैपिटल. कैपिटल व्हाट इज कैपिटल, हाउ मेनी कैन एक्सप्लेन प्लीज स्टूडेंट्स. जो कर सकता वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें व्हाट इज कैपिटल. दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज कैपिटल. तो कैपिटल, हाँ बेटा क्वेश्चन से याद आया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका न्यूज़पेपर होता है हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट विल बी सेल इन द रुपी 4 या 5 रुपीज़ में, आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं. तो उस क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं दिया, तो उसको क्वेश्चन का आंसर किसी ने कमेंट भी नहीं किया. अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो मुझे लगता है कि आपको आता ही नहीं है, तभी तो आपने कमेंट नहीं किया. या फिर आप जो है जानबूझ करके नहीं बता रहे हो, सोचते सर कहीं सर को कहीं ना पता चल जाए. ठीक है, तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि वो जो पेपर होता है बेटा दैट इज़ अ, अगर आप कॉमर्स यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर 4 रुपये में कैसे बिकता है. बिकॉज इन द पेपर, इन साइड द पेपर देर आर वेरियस एडवर्टीजमेंट आर गिवेन. आपने पहले ही पेपर पेज पे खोला तो घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार आ रहा है. उस पर दूसरे पेज पे खोला तो आपने पूरा देखा कुछ पेज में कुछ है ही नहीं, सिर्फ होंडा कंपनी का पूरा जो है बाइक का पूरा ओवरव्यू लगा रखा है. लास्ट वाले पेज पे देखा तो इसलिए आपने पूरे पेपर में देखी है. तो 60% में तो आपका कंटेंट रहता है जो आपको पढ़ना रहता है, न्यूज़ रहते हैं, बाकी 40% पूरी तरीके से कौन कवर किया रहता है, एडवर्टीजमेंट. एंड द कंपनी द न्यूज़ एजेंसीज दे आर चार्ज हाई प्राइस to that company which are going advertise of their product. जो अपने product का जो advertisement करते हैं उन्हें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है किस company को, जो company advertisement कर रही है. That is the way of advertisement. Advertisement का एक जरिया है. आपने देखा होगा कि आप अगर कोई उसमें रेट रहता है ना इस तरीके से भी, अगर आप जो है 4x4 की साइज में या 5x10 की साइज, जिस तरीके से आप निकलवाना चाहेंगे उसको सेंटीमीटर मिलीमीटर में, तो उस तरीके से उसका जो है पेमेंट लगेगा, पैसा लगेगा. तो वही पेमेंट वो उन लोगों से पाते हैं जिसके जरिए उनका चलता रहता है. ठीक है, बाकी लोगों की सैलरी नहीं. तो 4 रुपये में पेपर बेटा पॉसिबल नहीं है, ये मेरी बात समझ लीजिए. दे आर यूजिंग कॉमर्स, दे आर यूजिंग द वे ऑफ मनी दैट आर कमिंग बाय द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. तो एडवर्टीजमेंट से जो पैसा आता है उसी को वो यूज करते हैं. और भी डोनेशन वगैरह जो है वो बात अलग, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट के जरिए पेपर की जो वैल्यू कम हो जाती है, तो उसका आंसर एडवर्टीजमेंट है. नाउ लाइबिलिटीज में मैंने आपको बताया. असेट्स की अगर बात कर ले तो असेट्स की डिफिनेशन आपने बताया कि दैट इज आवर प्रॉपर्टी विच वी आर यूजिंग आवर बिजनेस फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट. देर में भी मैंने कैश रखा है, कैश जानते हैं, कैश मतलब आपका पैसा होता है. बैंक में रखा गया आपका पैसा, वो भी आपका पैसा है. स्टॉक इज योर असेट्स व्हेन यू सोल्ड योर स्टॉक, व्हेन यू सोल्ड योर अनसोल्ड गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, स्टॉक मीन्स द गुड्स विच आर नॉट सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर. यू नो स्टूडेंट्स, जितना सामान हम प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, सपोज दैट आपकी बाइक की एजेंसी है, तो बाइक एजेंसी में शाम को या फिर 31 मार्च तक ऐसा नहीं है कि सारी बाइक बिक जाए. सम बाइक्स कैन बी लेफ्ट, सम स्टॉक, सम असेट्स, सम गुड्स कैन बी लेफ्ट. तो जो लेफ्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक, इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो सामान अभी बिका नहीं, दैट इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी. व्हेन विल यू सेल देन यू विल अर्न प्रॉफिट.
डेटर मीन्स वेन वी सोल्ड आवर गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम अपना सामान जो है उधार में बेचते हैं, तो जिसको भी उधार में बेचा तो दिमाग में चल रहा है कि मोहन को उधार में बेचा है तो मोहन से पैसे लेने हैं। वैसे ही अगर आप बताओ, अगर आपकी दुकान और आप मुझे उधार में बेचोगे तो कहीं लिख दोगे ना कि सर के नाम पर इतना जो है लेना है, तो लेना है मतलब जब मैं आपको पैसे दूंगा तो सामान की कीमत जो मैं आपसे लेकर के गया था उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट का भी पैसा दूंगा, क्योंकि आपने ऐसा तो है नहीं, आप इतने ईमानदार तो हो नहीं कि सर के चक्कर में कि भैया 10 रुपये का सामान 10 में ही दे दिया, 12 रुपये में दिया होगा। तो डेटर कैन बी योर असेट ना, होता ही है, कैन बी नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, यू नो कि हमने कोई एक्सपेंसेस जो एडवांस में कर दिया, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। मशीनरी इज ओवर असेट्स, यू नो कि मशीनरी विच आर रनिंग इन द बिजनेस फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, तो वो जो है मशीनरी भी आपकी जो है असेट्स है। बिल्डिंग वगैरह जहाँ पे आपने टीन सेट वगैरह लगा रखा, बिल्डिंग वगैरह जिसमें आपने ऑफिस वगैरह खोल रखी है, दैट इज योर असेट्स। लैंड जानते आपकी प्रॉपर्टी होती है, असेट्स है। प्लांट एंड इक्विपमेंट यू नो वेरी वेल। गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट, ये इंटेंजिबल असेट्स होते हैं दैट विल दैट आर हेल्पिंग टू द बिजनेस फॉर गेनिंग मोर रेवेन्यू, फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर फर्म। तो ये चीज़ें आपकी बात हो चुकी हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स। इन द बिजनेस वी आर रिसीविंग वेरियस पेमेंट, वी आर पेइंग वेरियस एक्सपेंसेस, वी आर रिसीविंग वेरियस कैश, हमने वेरियस वे ऑफ कैश, आप बहुत तरीके से कैश को रिसीव करते हैं और बहुत हेड्स में जो है खर्चे करते हैं। सो वॉट इज रिसीप्ट? रिसीप्ट मीन्स जस्ट रिसीविंग समथिंग इन कैश, ठीक है, पैसे के फॉर्म में अगर कोई चीज़ आप रिसीव करेंगे उसको बोला जाएगा रिसीप्ट्स। एक्सपेंडिचर, जस्ट पेइंग समथिंग इन एक्सपेंसेस, जस्ट पेइंग समथिंग इन कैश। तो अभी मैं रिसीप्ट की बात कर रहा हूँ, तो योर रिसीप्ट कैन बी कैटेगराइज। अब देखो ये अभी नहीं बेटा, सी ए लेवल तक की बात है, 12th में काम आएगा, बी कॉम एम कॉम से हर जगह काम आएगा। यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिसीप्ट। योर रिसीप्ट कैन बी इन टू कैटेगरी, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, एंड सेकेंड इज कैपिटल रिसीप्ट। देखो बेटा, भूलेंगे तो आप कभी नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा आपको तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बस डिपेंड आप पे है कि आप किसके लिए कितना सीरियस, एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। रिसीप्ट में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। हम बैठे हैं दुकान पे, अच्छे से बैठे हैं, हमें किसी ने पैसा लेकर के दिया, जो पैसा हमने गिन करके ड्रॉल में रखा है, जो रिसीविंग आपने किया वो रिसीविंग रेवेन्यू टाइप की थी या कैपिटल टाइप की थी, ये आपको पहचानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू के जो आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखाई जाएंगे, आपको बताऊंगा मैं, ट्रेडिंग एंड पीएल का आइटम होता है ये, और जो कैपिटल टाइप के होते हैं ये बैलेंस शीट में इफेक्ट डालते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, भरोसा रखिए आपको आएगा, टेंशन ना लीजिए। तो रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होता है एक्चुअली? स्टूडेंट ये बताओ, सपोज दैट तुम्हारी पार्ले जी की एजेंसी है या पार्ले जी का आप बिजनेस करते हैं, पार्ले जी बिस्किट आपकी कंपनी है, तो पार्ले जी जब आप बेचेंगे, जो बिस्किट आप बना करके बेचेंगे, तुमको क्या लग रहा है कि जो पार्ले जी के बिस्कुट जब हम बना करके बेचेंगे उसका अगर पैसा आएगा, या हमारे यहाँ जो मशीनें जो पार्ले जी बनाती, जो बहुत भारी मशीनें थी 2 करोड़ रुपए की जो हमने लगा रखा था वो खराब हो गई, उसको हमने बेच दिया तो जो पैसा आएगा? मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तुम्हारा बिजनेस किसका है? सर बिस्किट का बिजनेस है, बिस्किट ही बेचेंगे तो पैसा आएगा, हमने इक्विपमेंट या मशीनरी बेच दिया जो वन टाइम पेमेंट था वो पैसा आएगा, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं लग रहा है? अब मैं बताता हूँ डेफिनेशन। Revenue received are those receipt which are received by the businessman due to sale of goods and services. सामान को बेचने से, services को sell करने से, services sell होती हैं, आपको पता है कि नहीं, services भी sell होती हैं, ऐसा नहीं कि सब physically वे में से भी आधा किलो दे दो। आप आजकल मोबाइल में नेट यूज कर रहे हैं तो क्या विजिबल है वो? services ही तो हैं। आप अपने मोबाइल का डेटा पैक लेने के लिए 400-500 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं तो यू आर पेइंग समथिंग ना, तो उसके लिए आपको जो मिल रहा है दैट इज सर्विसेज। तो जिस चीज, देखो ध्यान से ये सुन लो कि जिस चीज का तुम्हारा बिजनेस है, जिस चीज का आपका बिजनेस है, अगर उसको करने से, जिस चीज का आपका बिजनेस अगर उसको बेचने से पैसा आएगा तो रेवेन्यू नेचर का बोला जाएगा। इन द रेवेन्यू रिसीप्ट वी कंसीडर ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिसीविंग बाई ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बेचने से अगर पैसा आपको मिल रहा है, सर्विसेज को देने से पैसा मिल रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। अब ये बताओ, बिस्किट एक बार बेचोगे कि तुम्हारा बिस्किट का बिजनेस बेचते ही रहोगे?
सर बेचते रहेंगे। अब ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप, अगर बिस्किट नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि प्रॉफिट आपको वहीं से आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड व्हिच आर रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये होता है रिकरिंग नेचर का। एक वर्ड आपको बहुत मिलेगा अकाउंट में, रिकरिंग। कौन से नेचर का? रिकरिंग नेचर का। अच्छा, रिकरिंग का मतलब कंटिन्यू, या ऐसा ट्रांजेक्शन जो बार बार रिपीट हो, रिपीटेड नेचर का, दोहराया जाए हमेशा। तो रेवेन्यू रिसीप्ट जो होता है दैट इज रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, मैं आपकी बुक में कर देता हूं एक बार। देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट मनी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेचने से जो पैसा मिलेगा, मैंने वही बताया। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे गुड्स की बात करूँगा तो आप वही सामान समझना बेटा, रिक्वेस्ट आपसे ध्यान से सुनो कि आप वही सामान समझना गुड्स को बेचने का जिसका आपका बिजनेस हो। पार्ले जी वाला पार्ले जी बेचेगा तभी गुड्स बोला जाएगा, बाइक वाला बाइक की एजेंसी बाइक बेचेगा तब वो गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, बाइक की एजेंसी वाला पार्ले जी बोलेगा तो उसके लिए वो गुड्स नहीं है, पार्ले जी वाला बाइक बेचेगा उसके लिए गुड्स नहीं है। जिस चीज का बिजनेस है अगर वही आप सेल कर रहे हो तो वो आपका क्या ट्रीट किया जाएगा? गुड्स। ठीक है, सो अमाउंट रिसीव ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स, और सीधी सी बात है जिसका बिजनेस अगर वही बेच रहे हो तो दैट मस्ट बी इन रिकरिंग नेचर, वो रिकरिंग नेचर का अपने आप हो जाएगा क्योंकि उसी लिए आप बैठे हो। इसके बाद है कमीशन एंड फी रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया उसके लिए जो आपको कमीशन मिल रहा है, जो आपको सर्विसेज जो आपको जो है क्या है फी वगैरह मिल रही है, ठीक है, तो वो भी आपका होता है रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक, जिसकी उम्मीद आप हर साल कर सकते हैं, दैट अमाउंट कैन बी पॉसिबल इन एवरी ईयर, रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। और लिखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब ये भी आपका होता है रेवेन्यू रिसीव्ड। पहले इसी की बात कर लेता हूं मैं, रेवेन्यू रिसीव्ड में और भी चीजें आती हैं। पहली बात तो ये रिकरिंग नेचर का होता है, सेल ऑफ गुड्स सामान को बेचने से जो पैसा आएगा, कमीशन को रिसीव करने से जो पैसा आएगा, थर्ड है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड। अब ध्यान सुनो, सामान को बेचने से पैसा आया, सामान बार बार बिकेगा बार बार पैसा आएगा तो बार बार वो रेवेन्यू रिसीप्ट बोला जाएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट का नेचर होता है ये रिकरिंग नेचर का होता है, सामान को बेचने से या सर्विसेज को देने से जो पैसा आएगा वो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट होगा। बात समझ आई? कुछ थोड़ा सा अलग भी इसमें जोड़ते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीप्ट। ये बताओ बेटा, अगर आपने कहीं पे पैसा, सपोज करो आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे या कहीं किसी कंपनी में पैसा लगा देंगे तो वो कंपनी वाला आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, क्या देगा? ब्याज देगा आपको। तो जो पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है उस पे आने वाला जो रिटर्न होगा वो हर साल आ गया कि नहीं? बिल्कुल, जाहिर सी बात, आपने तो क्लेम कर देंगे भैया मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपके कंपनी में 10 लाख रुपया लगाया उसका मुझे रिटर्न भी तो चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताया पिछले वीडियो में, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग, सेविंग का कुछ पैसा कहीं पे क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इन्वेस्ट इस चक्कर में किया जाता है कि सेविंग रहेगा तो पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं आएगा, इन्वेस्ट कर देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा? रिटर्न आएगा। दैट रिटर्न कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकता है, डिविडेंड के फॉर्म में आ सकता है। एक्चुअली अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो शेयर पे जो आपको पैसा मिलता है उसको डिविडेंड बोला जाता है, इंटरेस्ट नहीं बोला जाता है। वहीं अगर आपने डिबेंचर परचेज कर रखा है, किसी को कंपनी में पैसा लगा रखा है, उस तरीके से लोन दे रखा है, तो लोन वगैरह पे जो पैसा आपको मिलता है वो आपका इंटरेस्ट बोला जाता है। तो अगर आपने इस तरीके से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो जाहिर सी बात उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा या डिविडेंड मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, रिकरिंग रहेगा, तो रेवेन्यू रिसीप्ट बोला जाएगा। रेवेन्यू रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट विच आर रिसीव्ड बाय द बिजनेस ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल रिसीप्ट बी पॉइंट पे चल रहे हैं, कैपिटल रिसीप्ट। ये क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट विच आर रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर से एक वर्ड लिखूंगा, याद रखेंगे तो जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स,
एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी ये इसका मेन ये रामबाण है पूरी तरीके से, कहीं भी लगा दिया लगा के निशान एकदम सीधा जाएगा। कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट इज दैट टाइप ऑफ रिसीविंग विच आर रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन बाय डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। द रिसीविंग विच ड्यू टू डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। असेट्स को कम करके, ध्यान सुनिएगा, असेट्स को कम करके, लेकिन कौन से वाले असेट्स को? फिक्स्ड असेट्स को। फिक्स्ड असेट्स को कम करके और फिक्स्ड लाइबिलिटी को बढ़ा करके या नॉन करंट लाइबिलिटी को बढ़ा करके जो पैसा आएगा वो सब आपका बोला जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। अब फिक्स्ड असेट्स होता क्या है? इसमें मैं लैंड ले रहा हूं, बिल्डिंग ले रहा हूं, मशीनरी ले रहा हूं। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर को बेचने से जो पैसा मिलेगा वो आपका क्या होगा? कैपिटल रिसीप्ट होगा। शायद अब आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर लैंड का बिजनेस हो तुम्हारा और तब आप लैंड बेचेंगे तब तो रेवेन्यू हो जाएगा, तब ये माना जाएगा आपका बिजनेस जो रियल इस्टेट का है, आप लैंड को बेचते हैं, लैंड को परचेज करते हैं, ठीक मेरी बात समझाई? लेकिन वही तुम्हारा दुकान तो पार्ले जी का था और आपने लैंड बेचा, तो अब लैंड बेचने से जो पैसा आएगा, पार्ले जी बेचने से जो पैसा आएगा जो कि रिकरिंग नेचर का, वो रेवेन्यू रिसीप्ट। लैंड बेचने, मशीनरी, फर्नीचर बेचने से जो पैसा आएगा दैट मे बी वन टाइम, दैट अमाउंट कैन नॉट बी कंसिडर इन एवरी ईयर, दैट अमाउंट कैन नॉट बी एक्सेप्ट इन एवरी ईयर, जिसकी उम्मीद आप हर साल नहीं कर सकते हो, वो आपका होता है कैपिटल रिसीप्ट। कैसे आएगा? बिल्डिंग बेच दो, मशीनरी बेच दो, फर्नीचर बेच दो। फर्नीचर कारपेंटर बेचेगा तो रेवेन्यू रिसीप्ट, हम बेचेंगे हमारी पार्ले जी की एजेंसी है तो कैपिटल रिसीप्ट। जिसका बिजनेस है वो बिका तो रेवेन्यू, उसके अलावा कुछ बिका तो कैपिटल। समझ में आ गया होगा सर? असेट्स को कम करके तो समझ में आया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? फिक्स लाइबिलिटी। अगर आप फिक्स लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी को बढ़ा लें तब भी आपका क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट। जैसे बैंक से लोन ले लो, जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक से लोन जो आएगा वो पैसा आएगा, तो जो पैसा आपको मिलेगा वो क्या सामान को बेचने से मिला? नहीं, लाइबिलिटी को बढ़ाने से मिला। कौन सी लाइबिलिटी को? नॉन करंट लाइबिलिटी को। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि कैपिटल रिसीप्ट बाय वे ऑफ डिक्रीज इन असेट्स, इट इज द रिसीविंग बाय वे ऑफ डिक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। बुक में भी आपके वही लिखा है, ड्यू टू सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द प्रोप्राइटर। आप अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बैंक से लोन ले लीजिए, मालिक से बोलिए और पैसा डालें, तो जो भी ये पैसे आएंगे इनकमिंग हो रहे हैं तो ये इस तरीके जो होंगे वो कैपिटल रिसीप्ट बोले जाएंगे। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन, सीधे वही हो चुका। ठीक है बेटा, तो आपका कैपिटल रिसीप्ट हो चुका, आप नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर्स की। किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर्स की। तो यहाँ पर रिसीप्ट में आपने दो पढ़ा है, रिसीप्ट कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, ये दो आपने पढ़ा। रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये तो हो चुका आपका, अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। दो तरीका का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बात बोलो बेटा, बिना कुछ खर्चा किया, बिना एक्सपेंसेस किए ना कोई इनकम नहीं होती है। ये जो रिसीविंग हो रही है ना, ये पहले आपने एक्सपेंस किया हुआ तब उसी फॉर्म में रिसीविंग हो रही है। सामान खरीदा होगा तभी तो बेचा होगा तभी तो पैसा आया, बिल्डिंग पहले आपने परचेज किया होगा तभी तो बेचा होगा तभी तो पैसा आया। तो एक्सपेंसेस हम ऐसे बैठे हैं बिजनेस में और पेमेंट कर रहे हैं, दुनिया भर का पेमेंट कर रहे हैं। कौन सा पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट माना जाएगा, कौन सा पेमेंट कैपिटल पेमेंट माना जाएगा? मतलब कौन सा पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन सा पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच इनकर फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सामान को बनाने से लेकर के बेचने तक के सारे खर्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बनाने से लेकर के बेचने तक का जितना भी खर्चा आएगा दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आपने रेवेन्यू रिसीव्ड को बोला कि ये ट्रेडिंग और पीएल का आइटम है, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी किसका आइटम है? ट्रेडिंग एंड पीएल का। अभी ट्रेडिंग और पीएल से घबराना नहीं है, आगे चलेंगे तो भी लंबा सफर तय करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बस आप थोड़ा जितना पढ़ा उस पर फोकस करिए, बस टेंशन ना लीजिए, ज्यादा आपसे मैं पूछूंगा ही नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बनाने से लेकर के बेचने तक का जितना भी खर्चा होगा वो आपका माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज, परचेज ऑफ गुड्स, सामान परचेज करेंगे, कौन सा सामान? अच्छा, परचेजिंग आप कौन सा करने जा रहे हैं? आप वो सामान परचेज करने जा रहे हैं जिसको बना करके बेचना है। दो तरीके की परचेजिंग होती है, फर्स्ट परचेज सेल, सेकेंड परचेज यूज। अगर परचेज करेंगे सेल करने के लिए तब रेवेन्यू बोला जाएगा, परचेज करेंगे यूज करने के लिए तो कैपिटल टाइप का हो जाएगा। नहीं समझाया? बिस्किट का मैंने आपसे बताया कई बार कि आपकी पार्ले जी की कंपनी है, गेहूं परचेज करेंगे, फ्लोर या आटा परचेज करेंगे, तो जो गेहूं आप परचेज करेंगे वो आपका बोला जाएगा रेवेन्यू। क्यों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर द पेमेंट ऑफ व्हीट, जो आप उस गेहूं के लिए पेमेंट करेंगे वो आपका बोला जाएगा क्या? वो आपका बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि गेहूं से बनेगा आटा और आटे को बना करके आपको बेचना है बिस्किट। लेकिन वही अगर आपने मशीनरी परचेज कर लिया तो मशीनरी परचेज करेंगे यूज करने के लिए, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। चलिए मैं आपके यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ देता हूँ बुक में। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ द बिजनेस विच रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच इनकर फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को बनाने से लेकर के बेचने तक का जितना भी खर्चा है सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको केयर किया जाएगा। लेकिन बुक के हिसाब से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच टोटल बेनिफिट वी रिकवर ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका पूरा पूरा बेनिफिट आप एक साल के अंदर कवर कर ले जाए। ये बताओ, अगर आज आपने एक क्विंटल या दो क्विंटल आटा मंगाया है तो उसको जल्दी से बेचने का प्रयास रहेगा, जल्दी से बेचने का जो है आपकी कोशिश रहेगी। तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने स्टॉक मंगवा लिया और बेचेंगे दो साल बाद, तब बिजनेस थोड़ी चलाना, तो आप मजाक कर रहे हो। तो जो आप परचेज करते हो, जो आप एक्सपेंसेस करते हो, जैसे आपने बिजनेस में सैलरी दे रहे हो, सैलरी किसी को देना क्या सर ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? बेटा सैलरी नहीं दोगे तो वर्कर वर्क नहीं करेगा, वर्कर वर्क नहीं करेगा तो सामान बिकेगा नहीं, सामान बनेगा नहीं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको ना करने पे सामान का प्रोडक्शन, सामान का मैन्युफैक्चरिंग, सामान का बेचना रुक जाए, तो वो ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं? ऐसे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, द टोटल बेनिफिट ऑफ दैट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वी कैन रिकवर ड्यूरिंग द ईयर। एक साल के अंदर इसका पूरा पूरा बेनिफिट आप ले लेते हो। आपने पैकिंग के लिए बैग मंगवाया तो जाहिर सी बात है पैक करेंगे, एक साल के अंदर बेच के हीरा हटा देंगे। कि अब ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, कोई सोच रहे होंगे सर अगर हम 31 मार्च को ही खरीदें तब कैसे एक साल के अंदर ले लेंगे? अरे बेटा जिस दिन खरीदोगे उस दिन से लेकर के एक साल के अंदर वो कैसे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसका पूरा बेनिफिट आप ले लेंगे। ठीक है, एक लाइन इसमें और लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकता। जैसे अगर बिजनेस 100 घंटे में, 1 घंटे में 100 यूनिट बनाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना भी कर डालो वो 1 घंटे में 100 ही यूनिट बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास मशीनरी तो वही है जो 100 यूनिट बनाती है। अब तुम्हारे स्टॉक खरीद लेने से, गोदाम में स्टॉक भर देने से यूनिट का बनना थोड़ी बढ़ जाएगा। बात समझ आई? हो गया, आप समझ में आ गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर से यहाँ क्या लिखा था? यहाँ हमने लिखा था डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ मैं लिखूंगा इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। असेट्स को बढ़ा करके और लाइबिलिटी को कम करने पे जो अच्छा, असेट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपनी लैंड को बढ़ाइए। बेटा मैं कह दूं कि आप अपने लैंड को 1 लाख से 2 लाख कर लीजिए, आप अपनी मशीनी कीमत 2 लाख से 5 लाख कर लीजिए। कैसे कर पाएंगे? परचेज करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। तो इफ़ द एक्सपेंसेज कैन इंक्रीज योर द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स दैट एक्सपेंसेज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड एसेट्स की कीमत को बढ़ा देते हैं वो बोले जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी को कम करने पे आपने लोन लिया था और लोन जब लिया तो कैपिटल रिसीप्ट, बैंक से लोन लिया, अब जब 4-5 साल बाद पेमेंट करेंगे तो रेवेन्यू रिसीप्ट बोला जाएगा, सॉरी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। जब लिया लोन तो कैपिटल रिसीप्ट और जब पेमेंट करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का कैपिटल से, रेवेन्यू का रेवेन्यू से। ठीक है, बुक में देख लो, बुक में है आपके एनी एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन एक्वायरिंग ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को जो बढ़ाने में लगता है वो क्या बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिक्स्ड एसेट्स तभी बढ़ेगा जब आप उसमें पेमेंट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स यू नो वेरी वेल कैसे कैसे होता है, उसमें दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें। इनटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर उसको आप बढ़ाना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ठीक, मेरी बात शायद समझ आएगी, बुक में भी पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, एक चीज आपका बच रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच टोटल बेनिफिट वी कैन रिकवर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर आप उसकी टोटल बेनिफिट को ले रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। आर यू कैन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच, सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर इन्वॉल्व। तो एक पॉइंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको एक चीज मिल जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम इंपॉर्टेंट है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, एक नंबर आएगा जरूर जब भी क्वेश्चन बनेगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच टोटल बेनिफिट वी कैन नॉट रिकवर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। है तो ये रेवेन्यू तरीके का खर्चा, लेकिन क्योंकि ये नहीं होगा तो रुक जाएगा बिकना। क्यों रुक जाएगा बिकना, बता रहा हूँ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंसेस विच टोटल बेनिफिट वी कैन नॉट रिकवर विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। फॉर दिस यू हैव टू यूज 3 to 7 years, 3 साल से लेकर के 7 साल का टाइम रहता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल इसका है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आपने अपनी पार्ले जी के लिए बड़ा वाला बैनर लगवा दिया, ठीक है, बिस्किट आपकी, तो जो पार्ले जी बिस्किट आप बेच रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया, टीवी में देखो एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, वाया टेलीविजन, वाया रेडियो, वाया पंपलेट, वाया पेंटिंग वगैरह आप करवा देते हैं, ठीक है, वाया न्यूज़पेपर। तो इन सबको करने में आप बहुत भारी भरकम अमाउंट खर्चा कर देते हैं, लेकिन उस अमाउंट की रिकवरी आप एक साल में नहीं कर सकते। ये बताओ एडवर्टीजमेंट अगर आपने एक बार 10 लाख रुपये का कर दिया तो जिस पर्टिकुलर के लिए आपने 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये का एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया है, क्या सामान वो एक ही साल बिकेगा? कोई मोबाइल 5G लॉन्च होगी तो जब मोबाइल 5G लॉन्च होगी तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर से लेकर के टेलीविजन हर जगह उसका जो है पूरा एडवर्टाइजमेंट रहेगा। जो कंपनी जिसका वो 5G मोबाइल फोन होगा वो उस पर करोड़ों रुपए खर्चा करेगी, लेकिन क्या वो मोबाइल बस उसी साल बिकेगा 2019 या 2021 में ही, बाकी ईयर्स में बिकता रहेगा। तो ऐसे खर्चे जिसको जिसका बेनिफिट हम कई सालों में लेंगे तो हम उसको एक ही साल में रिकवर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा अलग है उनसे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर विच टोटल बेनिफिट वी कैन नॉट रिकवर इन वन अकाउंटिंग ईयर, इट कैन बी पॉसिबल इन 3 to 7 years। तो आप नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। आई नो कि आप जो है ज़्यादा हो गया, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।